कुछ लोग अपने आप को कभी बदलने नहीं चाहते, उन्हें पता होता है कि स्टडी करनी होती है, मेहनत करनी होती है, 6 आवर 8 आवर की स्टडी करनी होती है, लेकिन नहीं करते। उनको पता होता है कि सपनों में चलने के लिए उनको कठिन रास्तों पर चलना होगा, लेकिन वो फिर भी नहीं कर पाते हैं, नहीं चलते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं बन पाते तो उसका 100% दोष हमारा होता है। हमें ये बात पता होती है कि हमने क्या गलती करी, क्या कमी थी, क्या कमी रह गई कि हम ये नहीं बन पाए। अगर अपनी ज़िंदगी में हम कुछ नहीं बन पा रहे तो उसका 100% दोष हमारा है, किसी और का नहीं, परिस्थितियों का नहीं। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हो, कुछ बातों को सीखना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, अपने सपनों को हासिल करना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को 5 बातें बताऊंगा, वो 5 रियलिटी लाइफ लॉन्ग लर्निंग जिसको आप फॉलो करके आप अपने सपनों को हासिल कर सकते हो। ये 5 बातें हर स्टूडेंट को समझनी चाहिए, ये 5 बातें हर स्टूडेंट की लाइफ को डिफरेंट क्रिएट करेगी, एक नई ऊंचाई तक ले जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे, और अगर कुछ नया सीख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें। पहली बात, जब तुम्हारे 12th खत्म हो जाएगी, जब तुम्हारे स्कूल लाइफ खत्म हो जाएगी, तब एक बात हमेशा समझ लेना कि तुम बच्चे नहीं हो। तुम वो बच्चे नहीं हो कि जो तुम डिमांड करके तुम्हारे पेरेंट्स ला के देंगे। तुम्हें रियलिटी को समझना है, तुम्हें मैच्योर बनना है, तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है, तुम्हें अपने सपनों पूरे करना है, तुम्हें अपने पेरेंट्स के, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना है। 12th क्लास के स्टूडेंट, आपसे एक बात कह रहा हूँ, आपको रियलिटी को समझना है, आपको थियोरेटिकली प्रैक्टिकली इन दोनों को अच्छे से समझना है कि क्या प्रैक्टिकली है, क्या थियोरेटिकली है। थियोरेटिकली ये कि अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो आपको ये सोचते हो कि मुझे ये बनना है, लेकिन प्रैक्टिकली ये है कि आप कुछ बनना चाहते हो तो आपको पता होगा कि मैं कैसे बनूंगा, क्यों बनूंगा, और उस बन को मैं क्या कर सकता हूँ। तो दोस्तों, उस प्रोसेस को समझना पड़ेगा। आप जो बनना चाहते हो उसको प्रोसेस को अच्छी तरह समझो। आपको अपने सपने साकार करने हैं तो रियलिटी को समझो। आप अपने लाइफ में कुछ भी बनना चाहते हो, एक्टर या क्रिकेटर या यूट्यूबर या IAS ऑफिसर, IPS, कुछ भी बनना चाहते हो तो दोस्तों उसको समझो कि वो कैसे बना जाता है, कितनी हार्डवर्क की जाती है। किसी भी सक्सेसफुल पीपल के पीछे उसकी मेहनत को हमें समझना होगा। तो पहले रियलिटी को समझो। अब दूसरी बात जो आपको सीखनी है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है। स्टूडेंट लाइफ में, स्कूल लाइफ के दिनों में ही आपको डिसाइड करना है अपने सपने को कि मैं क्या बन सकता हूँ, मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ या मैं क्या करूँगा। आपको अपना एम, आपको अपना ड्रीम, आपको अपना गोल डिसाइड करना है, अपने सपने को पहचानना है। तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम किस करियर में जाओगे, किस करियर में जाने के लिए तुम बने हो, ये तुम्हें खोजना है। एग्जाम्पल के तौर पर जब किसी प्यासे को प्यास लगती है तब उसका दिल तड़प रहा होता है पानी पीने के लिए, तब उसको एक भूख लग रही होती है, तब उसे एक प्यास लग रही होती है पीने के लिए। वही प्यास, वही भूख आपको रखनी है। अगर वो भूख आपको लगे कि आपको प्यास लगे कि मुझे ये चीज़ खानी है, तो आपका दिमाग नहीं बोलेगा मुझे खाना है, आपका दिल, आपका शरीर पूरा बोलेगा कि मुझे ये चीज़ खानी है। तो अगर आपको कोई चीज़ पानी है, अगर आपको अपने लाइफ के सपने पूरे करने हैं, अगर आपको बड़ा इंसान बनना है, अगर आपको ओडी कार में घूमना है या आपको कहीं भी जाना है, कुछ भी पाना है, तो आपको वो भूख लानी होगी, दिमाग का प्रयोग करना होगा और दिल का प्रयोग करना होगा, दिल से स्टडी करनी होगी, दिल से मेहनत करनी होगी। आपको उसके अंदर पूरा झोंक देना है, आपको 100% अपना 100% उस स्टडी में देना है जो आप बनना चाहते हो। तो दूसरी बात कि आपको डिसाइड करना है ये स्टूडेंट लाइफ में कि मुझे क्या कर सकता हूँ, मैं किस लिए बनाऊँ। आपको अपने आप को पहचानना है, अपने अंदर कमियों को पहचानना है, आपको अपना एम को पहचानना है। आप दोस्तों, तीसरी बात कि उस एम को पाने के लिए आपको प्लानिंग करनी होगी, आपको प्लानिंग करनी होगी कि इसका प्रोसेस क्या है, कितने टाइम पीरियड में, कितने टाइम में मैं इसको हासिल कर सकता हूँ, 3 साल 5 साल। आपको इसका टाइम टेबल के हिसाब से एक पेज पे एक डिसाइड करना है। आपको जो बनना चाहते हो, जिस फील्ड में आपको प्लेयर बनना चाहते हो, जिस फील्ड के जाके आपको मास्टर बनना है, उसके बायोग्राफी को पढ़ना है, उसके बायोग्राफी को समझना है कि कैसे बन सकते हैं, और उन महान लोगों की गलतियों को समझना है कि वो कैसे बने, उन्हें क्या गलती करी, उनको दोस्तों आपको समझना है। क्योंकि दोस्तों, चाणक्य ने कहा है कि अपनी गलती से तो हर कोई सीखता है, लेकिन जो दूसरी गलती सीखता है वो समय की बचत करता है। तो जो आपको जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड को समझना है, और उस फील्ड के खिलाड़ियों के सीखना है कि उनने कैसे प्रैक्टिस करी थी, उन्होंने क्या गलती करी थी, उन गलती को आपको सीखना है, और आपको डिसाइड करना है, आपको प्लानिंग करनी है कि क्यों बनना है, प्रोसेस क्या है, टाइम लिमिट क्या है, कैसे बनूंगा, ये आपको इन सभी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है।
तो बात करता हूँ चौथी बात कि ट्वेल्थ के बाद कभी भी खाली नहीं बैठना, स्टडी करते रहिए, कोई प्राइवेट जॉब करो, प्रिपेयर करो किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए, स्टडी करो, स्टडी के साथ आप जॉब कर सकते हो, लेकिन कभी भी खाली नहीं बैठना। मजे के लिए खाली नहीं बैठे कि मैं मजे करूँगा, दोस्त के साथ घूमूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, क्लब जाऊँगा, डांस सीखूँगा, कुछ नहीं। अगर आपको जो बनना है वो चीज़ करो, डांसर बनना है तो डांस की प्रैक्टिस करो, सिंगिंग करना है तो सिंगिंग की प्रैक्टिस करो, लेकिन ट्वेल्थ के बाद कभी भी खाली नहीं बैठना, क्योंकि खाली समय आपकी लाइफ बर्बाद कर देगा। पार्ट टाइम जॉब करो, प्राइवेट जॉब करो या कोई सी भी जॉब करो, कुछ सीखते रहिए, उन जॉब से सीखते रहिए, फील्ड के बारे में सीखिए, ज़िंदगी को समझो, परिस्थिति को समझो, पैसे की वैल्यू को समझो कि पेरेंट्स कैसे पैसा कमाते हैं। तो ट्वेल्थ के बाद कभी भी खाली नहीं बैठना। अब दोस्तों बात कर रहा हूँ पाँचवीं बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पाँचवीं बात कि आपको ट्वेल्थ पास होने के बाद जब आप 18 के हो जाओ तो दोस्तों कोशिश करो कि खुद के पैसे कमाना सीखो, खुद के पैसे, पेरेंट्स के पैसों पर कभी नहीं जीना, माँ बाप के पैसों पर तो हर कोई जीता, लेकिन आपको खुद के पैसों पर जीना है, हो सके तो अपने खर्चे खुद उठाओ, खुद पैसे कमाने की कोशिश करो और अपने खर्चों से अपने पेरेंट्स को कुछ दो तो सही, अच्छा लगेगा। 18 साल के बाद ट्वेल्थ क्लास पास करने के बाद आपको समझना है कि मैं मेच्योर हो गया हूँ, आपको मेच्योर बनना है, आपको पैसे कमाने हैं, आपको अपने पर डिपेंड रहना है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना, पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं रहना, मदर पे, फादर पे, अपने मम्मी पापा पे कभी भी डिपेंड नहीं रहना कि हाँ मेरे पास तो पापा हैं मुझे खिला देंगे, नहीं, आपको वो रियलिटी पहचाननी होगी कि उन परिस्थिति को पहचानना होगा। तो दोस्तों खुद पैसे कमाने की सोचना, माँ बाप के पैसों पे कभी नहीं पलना, हो सके तो कोशिश करो कि अपने पैसे पे कपड़े खरीदो, हो सके तो कोशिश करो अपने पैसे से फ़ोन खरीदो, हो सके तो कोशिश करो अपने पैसे से गाड़ी खरीदो, लेकिन पेरेंट्स के पैसे से नहीं, क्योंकि तुम 18 साल के हो चुके, क्योंकि तुम मेच्योर हो चुके, क्योंकि तुम बड़े हो चुके हो। ट्वेल्थ के बाद आपको ये बात समझनी है कि आपको अपने खर्चे खुद उठाने हैं, आपको खुद पर डिपेंड रखना है, आपको मेच्योर बनना है, आपको हर परिस्थिति को समझना है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस मैं इतना ही समाप्त कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।